नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है फिडल लीफ फिग। ये एक फाइकस फैमिली का प्लांट है। इसके लीव्स जनरली बनियान ट्री के तरह ही दिखते हैं और ये प्लांट हमने कटिंग से लगाया हुआ है। और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसकी मिट्टी अभी भी थोड़ी थोड़ी सूखी हुई है और प्लांट का भी लीव्स का भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस लीव को टच किया तो ये लीव्स ईजिली गिर गया। इसका मतलब ये है कि प्लांट को अभी रूट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं पूरी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि प्लांट अभी भी हेल्थी प्लांट है, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। और जब भी प्लांट हम बाज़ार से खरीदे, मैं नर्सरी से घर पे लाए या फिर किसी से कटिंग ले या फिर कटिंग से ग्रो करे, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि प्लांट को टाइम लगता है उसके रूट डेवलप करने में, उसके प्लांट डेवलप करने। तो हमें गार्डनिंग हमें पेशेंस सिखाता है। और हम मिट्टी भी देख रहे हैं। जनरली मिट्टी में सोइल टेस्ट भी करता हूँ। जब भी मैं पानी डालता हूँ तो उसका एक अलग रीजन होता है, क्योंकि अगर गीली होगी पानी तो डालेंगे तो उसका रूट रोटिंग हो जाएगा। और मैं ऊपर की तरफ भी देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक अलग लीव दिख रहा है जो बाहर आ रहा है, मीन शूटिंग हो रहा है, एक छोटा सा बर्ड है। तो इसका मतलब ये प्लांट अभी भी हेल्थी है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और मैं मिट्टी भी जब भी मैं पानी डालता हूँ तो मिट्टी का टेस्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी उंगली ज़मीन में डालता हूँ गमले में 2 इंच तक। अगर देखता हूँ कि अगर गीली है तो पानी नहीं डालता, अगर सूखी हुई है तो मैं उसकी प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही गीला है, मीन बहुत ज़्यादा तो मीन ज़्यादा तरह सूखा ही है, मीन 90% तो सूख गया है, इसलिए मैं इसको पानी डालना है। ओके, और यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं रेगुलरली, और प्लांट को हम रेगुलरली पानी डालना है। और इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। जब भी आप कटिंग लगाते ग्रो करते तो उसको सेमी शेड एरिया में रखना है, हमें थोड़ा वेट करना है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।